नमस्कार दोस्तों, देवभूमि हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागतम है। तो दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा देवभूमि चैनल में, क्योंकि इसमें मैं बहुत अच्छे हिंदी में फुल वीडियो, एंटरटेनमेंट वीडियो, नॉलेज वीडियो, सब तरह के जो वो फुल हिंदी में आपके सामने लेकर आता हूँ। ठीक है जी दोस्तों, आज का टॉपिक है 5 Why, रूट कॉज एनालाइज का जो 5 Why टूल है उसको हम आज इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स मेरे को इसके ऊपर आ चुके थे, सर रूट कॉज एनालाइज का टूल बताओ। तो मैं आज उसी उन्हीं व्यूवर्स के लिए जिन जिन्होंने मुझे कमेंट किया था, उन्हीं के लिए मैं आज लेके आया हूँ 5 Why, जो कि बिल्कुल सिंपल वीडियो है और सिंपल तरीके से मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है जी, 5 Why एक्चुअल में होता क्या है, ये रूट कॉज एनालाइज का टूल है। तो किसी भी रूट को एनालाइज करने के लिए, रूट जड़ तक जाने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम की जड़ तक जाने के लिए जो हो 5 Why इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है जी, तो फर्स्ट वाई मैं बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाऊंगा कि मेरे को प्रॉब्लम क्या आई, मेरी बाइक खराब हो गई। ठीक है जी, फर्स्ट वाई लिया गया, बाइक क्यों खराब हुई। ठीक है, फर्स्ट वाई में आ गया मेरी बाइक खराब हो गई, सेकंड वाई में बाइक क्यों खराब हुई, जो सेकंड वाई है क्योंकि उसका इंजन ऑयल खत्म हो गया था। ठीक है जी, फर्स्ट वाई जो आ गया, बाइक मेरी बाइक खराब हो गई क्योंकि उसका इंजन ऑयल खत्म हो गया था। ठीक है जी, इंजन ऑयल क्यों खत्म हो गया था, उस पर वाई लग गया, इंजन ऑयल क्योंकि इंजन से लीकेज हो रही थी। ठीक है जी, ये थर्ड आ गया, इंजन से लीकेज क्यों हो रही थी, उसके ऊपर फिर वाई लग गया क्योंकि ड्रेन बोल्ट लूज था। ठीक है जी, ड्रेन बोल्ट लूज क्यों था, उसके ऊपर फिर वाई लग गया। जो फिफ्थ वाई है, क्योंकि मैकेनिक से ठीक से टाइट नहीं हुआ था, क्योंकि मैकेनिक से जो बोल्ट था वो ठीक से ढंग से टाइट नहीं हुआ था, ये 5 Why है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो हो उसकी जड़ तक पहुँच गई कि जो मैकेनिक था वो बाई गलती, बाई डिफॉल्ट जो है वो उसको चेक करना या टाइट करना भूल गए। ठीक है, जिसकी वजह से आज मेरी बाइक जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही या खराब हो गई है। ठीक है, तो इसी तरह जो आप किसी भी प्रॉब्लम की जड़ तक जाने के लिए जो है इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इट इज़ वेरी सिंपल। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को अगर सही सही तरीके से अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, 5 Why को करते हैं, तो कहीं भी आपकी प्रॉब्लम जो है वो जाएगी नहीं, आप उसको सॉल्व करते करके ही छोड़ोगे। ठीक है जी, तो दोस्तों अगर किसी भी तरह की आप अपनी कोई और वीडियो चाहते हो, टेक्निकल वीडियो चाहते हो, टेक्निकल हेल्प चाहते हो, तो इसी सिंपल वे में मैं आपको करके वीडियो बना के दूंगा। तो आप प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है जी, तो अगर एक बार सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, धन्यवाद।